अंकुर जी, आप सपा की तरफ से भी अपना पक्ष रख रहे हैं गठबंधन में आप, तो ऐसे में अपर्णा यादव का भी जिक्र कर दिया ओपी सिंह जी ने, कहा कि महिला तो वो भी हैं, वो भी महिलाओं के लिए किए गए काम की वजह से हमारे पास आ गई हैं। और इस बार देखिए चर्चा है कि अपर्णा यादव की भी हो सकता है मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में या कोई मिनिस्टर या किसी तरीके से कोई जगह दे दी जाए, ऐसा हो जाएगा तो क्या ही करिएगा आप। शिवांगी जी, ये भाजपा का इंटरनल मैटर है। हाँ, और कोई भी महिला है वो हाँ, एक हमारे हिंदुस्तान में 18 साल होने के बाद बालिग वोटर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो भी डिसीजन होता है वो उनका पर्सनल डिसीजन होता है। इस मामले में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय अपर्णा यादव गई हो या आज से पहले माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी गई हो, तो वो सब उनका अपना डिसीजन होता है। नहीं, अपना डिसीजन तो है, लेकिन देखिए ये सवाल इसलिए आपसे किया क्योंकि अपर्णा यादव जो देखिए कहा जाता कि टिकट मांग रही थी, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं की छवि को जिस तरीके से बीजेपी ने आगे बढ़ाया मैं उस वजह से यहाँ पर आई, उस विचारधारा से यहाँ पर आई हूँ। तो ऐसे में अगर वो बड़ा नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएगा, मंत्री की लिस्ट में अगर शामिल हो जाएगा, तो क्या उसका एक सिनेरियो, एक मैसेज जो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आपने शुरुआत में जो बात वही चर्चा सब जगह थी और वही बातें बता दी, तो ऐसी स्थिति में आपको एक भविष्य की मैं बात बता रहा हूँ। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में जो गया वो अस्तित्व विहीन हो गया, चाहे माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी हो, क्योंकि जो भी इनकी पार्टी में गया है इनने क्या किया है, घुन की तरह उसके समर्थन कर दिया जी। अपर्णा यादव जी जब तक इनके लिए यूजफुल रहेंगी तब तक ये उनका यूज करेंगे, और जैसे ही उनका यूज खत्म हो जाएगा आप देखिएगा उनको इनकी पार्टी में राजनीतिक आशिये पर डाल दिया जाएगा। ओपी सिंह जी, ऐसा है क्या? बिल्कुल ओपी सिंह जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या जैसा अंकुर जी कह रहे हैं? क्या कहा अंकुर जी? अंकुर जी कह रहे हैं कि जो भी महिला चेहरा अपनी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहले के जिन पार्टियों के साथ रहे हो, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे आगे की जो महिलाएं आ रही, चाहे अदिति सिंह हो, तो अब अपर्णा यादव भी आपके पास है, लेकिन वो कह रहे जो महिलाएं आई हैं आपकी पार्टी में वो हाशिए पे चली गई हैं। अब इनडायरेक्टली अपर्णा यादव भी आपके लिए यूज के लिए जब तक है आप उनको काम मिलेंगे, उसके बाद आप यूज थ्रो कर देंगे, हाशिए पे डाल देंगे उनको, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है, हाँ, कि जभी से जगोरे भाई तभी से सवेरा है। इस उत्तर प्रदेश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, और जहां तक राजनीतिक सवाल है मैं आपको बहुत गूढ़ बात बताना चाहता हूँ। हाँ, शुभंगी जी चैनल पर पहली चीज तो यह है कि देखिए समाजवादी पार्टी सबसे समझौता गठबंधन कर चुकी है, कांग्रेस से कर लिया, बसपा से कर लिया, छोटे छोटे दलों से कर लिया। मैं सवाल का जब बसपा सिया कांग्रेस से किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, अब छोटे छोटे दलों से करूंगा। देखिए इनकी समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अर्पणा यादव हमारी पार्टी में आ चुकी है, और ये हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा रहा है, और इनके चाचा जो अखिलेश यादव है उन पर भी आरोप था कि शिवपाल यादव जो है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के परिवार का जो कुनबा, हाँ, पूरे देश और प्रदेश में प्रचलित है, हाँ, इनके कुनबे के सारे सदस्य टूट टूट करके मेरी पार्टी में आएंगे, और अखिलेश यादव 2027 में जब 24 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन करने की इच्छा प्रकट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ओपी सिंह जी ने क्या कहा, भविष्यवाणी कर दी उन्होंने इसको लेकर। शिवांगी जी, मैं आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए अंकुर जी, फिर मैं नावशिको जी और वंशराज दुबे जी के पास आऊंगी कुछ सवालों को लेकर।